वेलकम टू अनदर व्लॉग। और फाइनली आज मैं मुंबई से निकल रहा हूँ वापस दिल्ली के लिए, और मैं हूँ इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई CSMT रेलवे स्टेशन। यहाँ से है मेरी जर्नी मुंबई CSMT हज़रत निज़ामुद्दीन CR राजधानी में। सबसे पहले मैं आपको बाहर से पूरा स्टेशन दिखा दूँ, स्टेशन के बाहर का एरिया दिखा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं अंदर। 4 बजे की ट्रेन है, टाइम हो गया है 3:37, 15:37 हो गया है, आधा घंटा है अपने पास। जितना हो सकेगा स्टेशन भी अंदर से दिखा दूंगा और बाहर का एरिया तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, फिर चलेंगे अंदर अपनी ट्रेन पे बोर्ड करेंगे और ट्रेन भी मैं अंदर से पूरी आपको दिखाऊंगा। खाने का पूरा रिव्यू करेंगे, राजधानी है तो बेडिंग्स खाना वगैरह सब कुछ मिल रहा है, सब चीज़ का रिव्यू आपको देंगे। सामने है मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय, मुंबई की महानगर पालिका का हेडक्वार्टर। ठीक इसके सामने है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का CSMT रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। अगर CST के लिए कहीं से बस पकड़ रहे हो रेलवे स्टेशन आने के लिए, तो आपको सामने रेलवे स्टेशन के पास ही वहाँ पे ड्रॉप करेगी, और वहाँ से वॉकिंग 10 मिनट का आपका रेलवे स्टेशन के अंदर आने का रास्ता है। और ये है पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का रेलवे स्टेशन, कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी है। डिस्प्ले वगैरह बिल्कुल सेम ऐसे हैं जैसे आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, सेम इसी टाइप से डिस्प्ले होता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7 के प्लेटफॉर्म यहाँ पर हैं, बाकी 8 से लेके 18 नंबर के प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और हमारी राजधानी भी उसी तरफ है। टिकट काउंटर सबर्बन का इस तरफ है, आपको लोकल ट्रेन का मिलेगा। AC वेटिंग लॉन्च, मीटिंग पॉइंट भी अलग से है, कि आपसे मिलने आ रहा है उसके लिए अलग से मीटिंग पॉइंट वगैरह बनाया गया है। क्लॉक रूम भी यहाँ पर अवेलेबल है अलग से, मल्टीपर्पज स्टॉलिंग कैमरे सब कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें आपको मुंबई सेंट्रल मुंबई CSMT पे मिल जाएगी। बाकी आप यहाँ पर पूरा CST का रेलवे स्टेशन देख सकते हो। और ये है मुंबई की AC लोकल ट्रेन, ये है पूरा सबरमन का स्टेशन। स्टेशन देख लो आप कितना बड़ा है, सिर्फ लोकल ट्रेन के लिए ही इतना बड़ा स्टेशन पूरा बनाया गया है। और फैंस भी देख रहे हो स्टेशन पे, काफ़ी बड़े फैंस आपको देख, इतने बड़े फैंस आपको दिल्ली के किसी स्टेशन पे या इंडिया के और किसी स्टेशन पे आपको इतने बड़े फैंस आप नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ मुंबई में मुंबई सेंट्रल, मुंबई CST, इन सब जगह आपको इतने बड़े बड़े फैंस ही मिलेंगे देखने को। और ये है मुंबई CST का दूसरी साइड वाला रेलवे स्टेशन, जहाँ से आपको एक्सप्रेस ट्रेन्स मिलती हैं। यहाँ पे इसका मैप भी है CST रेलवे स्टेशन का, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेके प्लेटफॉर्म नंबर 18 का पूरा गाइडेड मैप है। आप इसकी मदद से पूरा स्टेशन आप घूम सकते, आप पूरे स्टेशन पे आप विजिट कर सकते, पूरा स्टेशन घूम सकते हो आप इसकी मदद से, क्योंकि मुंबई सेंट्रल से ज़्यादा बड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज CSMT रेलवे स्टेशन। तो इसको अगर आपको अलग से एक्सप्लोर करना है तो ये भी इसमें भी आपका टाइम अलग से जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ जो गाइडेड मैप दिया हुआ है उसके हेल्प से आप जो है घूम सकते हो। ऐसा है कुछ यहाँ का इंटीरियर। और ये खड़ी है यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे मुंबई CSST सोलापुर वंदे भारत। इस साल जो 2 वंदे भारत चलाई गई थी, सोलापुर और शिरडी वाली, वो दोनों आपको मुंबई CST से मिलेंगी। और अगर मुंबई से अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो उसकी वंदे भारत आपको मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मिलेगी। CSMT रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर गाइडेंस बोर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी भी हेल्प से आप पूरा CST रेलवे स्टेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये है यहाँ का पूरा वेटिंग एरिया, यहाँ पे बैठ के आप अपनी ट्रेन का वेट कर सकते हो। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि हमारी राजधानी एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म पे लगाई गई है। 18 नंबर पे सामने खड़ी है हमारी CR राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम मुंबई CSMT टू हजरत निज़ामुद्दीन। फाइनली ट्रेन पे पहुंच गया मैं, साइड लोअर सीट मिली है, भाग भाग के आना पड़ा है मुंबई सेंट्रल से, देख लो क्या हाल हो गया। लगभग ट्रेन चलने में 3 मिनट रह गया है और 3:50 पे स्टेशन पे आ गया था। कोच बिल्कुल आगे इंजन के साथ दिया हुआ है, तीसरा या चौथा डिब्बा इंजन के साथ में, पूरा पीछे से भाग के आना पड़ रहा है।
तो अब आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। टाइम से पहले अगर मैं आ गया होता, टाइम पे आ जाता अगर थोड़ा पहले, तो कोच इंटीरियर में आपको पूरा दिखा देता, लेकिन अभी अंदर पैसेंजर्स वगैरह बैठ गए हैं। फिर भी ट्राई करूँगा कि इंटीरियर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आपको दिखा दूँगा। बाकी चलो ट्राई करते हैं जितना हो सके पूरा इंटीरियर में आपको बता दो। खाना तो अभी मिला नहीं है, बाकी जो ट्रेन का जो बफेट सेक्शन होता है कोच में, वहाँ तो खाना पानी की बॉटल वगैरह सब कुछ रख चुका है। तो ट्रेन चलेगी एक दो घंटे बाद, जब हो सकता है जब शायद कल्याण क्रॉस करेगी, उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट वगैरह इवनिंग का वो सर हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे कोच का अंदर का कुछ ऐसा इंटीरियर। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो है नहीं, क्योंकि कोच काफ़ी पुराने हैं ये। और खाना वगैरह जैसे मैं बता रहा था बफेट सेक्शन में यहाँ पे लग चुका है, पानी की बोतल भी सारी लग चुकी हैं। वॉशरूम वगैरह आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है वेस्टर्न स्टाइल वाला, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन टॉयलेट, सारी चीज़ अवेलेबल है, पूरा बढ़िया से हाथ धोने के लिए हैंड वॉश वगैरह, टिशू पे टॉयलेट टिशू वगैरह, फ्लश वगैरह सब कुछ बढ़िया से नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, राजधानी का ये टॉयलेट। और आई थिंक इस तरफ इंडियन वाला है, या एक इंडियन वाला है, ये भी देख सकते हो काफ़ी साफ सुथरा ये वाला भी। और यहाँ पे बढ़िया से डस्टबिन, कोच में भी काफ़ी साफ सफाई है, इधर डस्टबिन वगैरह है, सेफ्टी का फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह इमरजेंसी सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे भी यहाँ थोड़ा बहुत गंदा है, लेकिन कोच अगर साफ है तो थोड़ा पुराना है। और कोच हमारा B9, और एक पेंट्री वाले भैया भी बोल के गए हैं कि जो ये इवनिंग का ब्रेकफास्ट है ये कल्याण क्रॉस होने के बाद सर्व हो जाएगा। और ट्रेन का सिग्नल भी यहाँ से डाउन हो चुका है, और ट्रेन हमारी ऑन टाइम 16 बजे इसका डिपार्चर हो चुका है। तो फाइनली हमारी जर्नी दिल्ली से मुंबई की एंड होती है, और ट्रेन अब हमारी यहाँ से निकलते हुए CSMT से हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए वाया कल्याण, भुसावल, नागपुर, भोपाल होते हुए ये ट्रेन जाएगी हज़रत निज़ामुद्दीन।
और ये आ चुका है हमारा इवनिंग का ब्रेकफास्ट, जिसमें हमें मिला है वेज सैंडविच, साथ में पिकाजी की भेलपूड़ी, आलू भुजिया, चाय सामग्री, बिस्किट और एक छोटा सा सोन पापड़ी का पैकेट। चाय बनाने के लिए हमें दिया गया है एक छोटा सा गर्म पानी का थर्मस। हमारी पहुंची है नासिक रोड, इससे पहले आया था कल्याण, आया था वो मैं दिखाना भूल गया क्योंकि उस समय ब्रेकफास्ट आया कर रहा था, और बीच में पूरा घाट सेक्शन आया था नासिक से पहले और कल्याण के बाद, तो वो भी इसे रह गया क्योंकि उसमें ब्रेकफास्ट वगैरह आ गया था। ब्रेकफास्ट का मैंने शूट कर लिया था, वो मैंने वीडियो में एड कर दिया, वो आप देख लेना। और हमारी ट्रेन का नंबर 22221 जो और हमारी ट्रेन का नंबर है 22221 MMC और हमारी ट्रेन का नंबर है 22221 CSMT निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। और इसके इस रूट पे सिर्फ यही एक ऐसी राजधानी है जिसमें अलग से बैंकर्स नहीं लगते हैं। CSMT से ही वेब 7 आपको एक स्टार्टिंग में मिल जाएगा और एक रिवर्स में बैक साइड में वेब 7 लोकोमोटिव लग के आता है, अलग से बैंकर नहीं लगते, क्योंकि घाट सेक्शन में ट्रेन को पुल और पुश करने के लिए लोकोमोटिव चाहिए होता है, तो इसीलिए इसमें पीछे से एक साथ लग के आ जाता है। और ये आ चुका है हमारा रात का डिनर, एक है इसमें सब्जी, एक दाल, एक चावल, साथ में तवा रोटी और साथ में स्वीट कर्ड। दाल में हमें दी गई है बढ़िया सी मूंग दाल, साथ में शाही पनीर, तवा रोटी, साथ में अचार, एक बढ़िया सा जीरा राइस और साथ में खाने के लिए मीठा पनीर। ट्रेन हमारी पहुंची है अभी जलगांव जंक्शन, सिग्नल डाउन हो चुका है। मैं स्टेशन पे थोड़ा सा फुटेज लेके नीचे होता था मगर उतनी देर में सिग्नल डाउन हो गया। आपको ट्रेन के अंदर से ही मैं प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। अगर कुछ खाना पीना चाहते हो जलगांव पे सामने लॉन्च यहाँ पे स्टॉल है, यहाँ से आप ले सकते हो। बैक पे प्लेटफॉर्म पे जाओगे मेन हिस्सा आगे है, मेन हिस्सा प्लेटफॉर्म का सेंटर का बीच में है क्योंकि मेन प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई है। और हमारा कोच जो है इंजन से तीसरा डिब्बा इसलिए बिल्कुल आ गया है, तो इसलिए पीछे जाके मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता, मैं आपको ट्रेन के अंदर से ही बता देता हूँ। स्टॉल से तो आप यहाँ पे ले लोगे, लेकिन अगर आपको
अंदर लॉन्च में बैठ के खाना है तो आपको प्लेटफॉर्म पे पीछे के हिस्से पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मेन लॉन्च अवेलेबल है। 10 मिनट लगे, 2 मिनट पहले ट्रेन आ गई थी जलगांव जंक्शन, लेकिन अब क्योंकि मैं खाना खा रहा था तो जैसे ही लेफ्ट हैंड में मुझे पता चला इस प्लेटफॉर्म से, पहले मैं सोचा था राइट साइड आएगा प्लेटफॉर्म, मैं आराम से अपना रात का डिनर खा रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि प्लेटफॉर्म लेफ्ट पे है, खाना छोड़ के यहाँ पे आया ताकि आप लोगों के लिए जलगांव का थोड़ा सा फुटेज में कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि लास्ट कुछ राजधानी जर्नी कर थी मैं इलाहाबाद वाला, मैं इसी तरीके से डिनर की वजह से प्रयागराज जंक्शन नहीं दिखा पाया था, तो काफ़ी कमेंट आए थे कि प्रयागराज जंक्शन आपने दिखाया नहीं, स्किप कर दिया, तो इस बार मैं सोचा आप कुछ भी हो जाए जो भी स्टेशन आएगा वो मैं दिखा दूंगा। बस ट्रेन अब यहाँ से चलने वाली है क्योंकि सिग्नल ऑलरेडी डाउन है। चलो सीट पर चलते हैं वापस। और हमारी ट्रेन पहुंची है इस वक्त ग्वालियर जंक्शन। रात में नींद काफ़ी अच्छी आ गई थी, अभी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह तो कुछ आया नहीं है, अभी ग्वालियर जैसी है चलेगी यहाँ से, इसके बाद मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और टी वगैरह आ जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिग्नल जो है डाउन हो गया, ट्रेन के अंदर चलते हैं। हमारी पहुंची है आगरा कैंट, 2 मिनट का स्टॉप है, सिग्नल डाउन हो चुका है, पैसेंजर अपना साथ में उतार रहे हैं, उस बात ट्रेन में चलते हैं, मैं आपको ब्रेकफास्ट भी एक बार दिखा देता हूं। और अगर आगरा कैंट पे सुबह मॉर्निंग में लंच कर रहे हैं, वैसे अगर राजधानी में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल किसी एस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर में लंच करना है, रात में जर्नी कर रहे हैं, उससे अगर डिनर लेना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे IRCTC का फूड ट्रैक का लॉन्च है, वहाँ से पैक भी करवा सकते हो, वहाँ पे बैठ के आप खा भी सकते हो, आपको ट्रेन में टाइम है। बाकी 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर पे गाड़ी आती है तो पीछे इस टाइप के वगैरह बने, यहाँ से आप चिप्स वगैरह या पकौड़े वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ आ चुका है हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट,
वैसे तो चाय के साथ भी आना था लेकिन चाय किसी वजह से नहीं मिल पाई टाइम पे, तो अभी ब्रेकफास्ट के साथ ही मेरे को चाय साथ में दी गई है। और यहाँ ब्रेकफास्ट में दिया गया है छोटा सा एक आलू भुजिया का पैकेट, साथ में उपमा और एक पोहे का पैकेट और एक फ्रिस्का और साथ में छोटी सी एक टोमेटो केचप, और गरम गरम चाय पीने के लिए साथ में गरम पानी का थर्मस। टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह भी अपना अच्छे से हो गया। फूड रिव्यू मैं आपको कर देता हूँ। ब्रेकफास्ट सही था, इसमें हमें ब्रेकफास्ट में हमें पोहा दिया था, उपमा दिया था। अभी तक का ये कम्बिनेशन ब्रेकफास्ट का मैंने अभी तक तो और किसी राजधानी जर्नी में अपने नहीं देखा है, और कानपुर लाइन की भी जितनी राजधानी उन सब में भी अभी तक ये चीज़ नहीं देखी देखने को मिलेगी। थर्ड एसी के ब्रेकफास्ट में पोहा और उपमा दिया जा रहा हो। ऑलिवन रात का खाना भी काफ़ी सही था और कल शाम को इवनिंग का जो ब्रेकफास्ट था वो भी काफ़ी अच्छा था। किसी चीज़ में खाने में कोई मिर्च वगैरह कुछ नहीं है। और अब कम से कम आगरा क्रॉस किए हुए कभी आधा घंटा हो चुका है और गाड़ी अभी 9:30 बजे तक जो है हमें निज़ामुद्दीन उतार देगी। पहुंच गया हूँ हजरत निज़ामुद्दीन।
रेलवे स्टेशन CSMT निजामुद्दीन राजधानी 2221 के साथ ये जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। जर्नी कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और ट्रेन का जो इंटीरियर का पार्ट है वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया, गेट के बाहर का अंदर का कंपार्टमेंट वाला पार्ट अगर आपको देखना है तो आप मेरी बाकी राजधानी एक्सप्रेस की 3rd AC की जर्नी देख सकते हो। बाकी जर्नी बहुत अच्छी थी, एक बार वीडियो पूरी देखना, कमेंट करके बताना जर्नी कैसी रही। बहुत मिलते हैं बहुत जल्द एक और ट्रेन जर्नी में।